Namaste. Where are you from? Israel. Shalom. What is this? Tell a bit. The YouTube. This is a YouTube channel. Yes, it's social media. Cool. So they make the histories, everything. They recommend that tourists to Israel. Say. Pushkar. You been to Pushkar? Yeah, Pushkar. It's, I am from Pushkar. Pushkar. Pushkar is good. Pushkar मेरे दोस्त हैं। अच्छा। जगत बना। जगत बना हाँ। उनका कैंप है। जगत बना। मैं पुष्कर पैलेस होटल में ठहरा हुआ हूँ। हाँ। सलूम। एंजॉय पुष्कर होली। पुष्कर होली। ओके। तो दोस्तों देख सकते हो यार कितनी मतलब छोटी छोटी गलियाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये छोटे मोटे सामान बेचते हैं और देख सकते हो ये पीछे पोर्ट है और क्या है यहाँ पे मतलब दिख रहे हैं ना भाई लाजवाब दिख रहे हैं। मतलब इंडिया का लास्ट रेलवे है ये। हाँ। अच्छा इसके आगे कोई नहीं है। इसके आगे सीधा बोर्ड पाकिस्तान। अच्छा तो ये मतलब 18 सेंचुरी का अंग्रेजों के टाइम है। अच्छा और इनकी जो कैपेसिटी होती है 45 किलोमीटर मतलब 45 मतलब 45 किलोमीटर वो तेरी मतलब यहाँ पे फायर कर लेते थे। अच्छा ये क्या होता है किसी दोस्तों पूरे रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं है रामदेरा पे और यहाँ पे जैसलमेर की ट्रेन 10:30 बजे आने वाली है और 9:30 बजे पहुँच गए। पहले जल्दी बता रही थी अब लेट हो गई तो यहाँ पे बैठे हुए और पूरे रेलवे स्टेशन में कोई नहीं है ओनली हम ही है यहाँ पे। और 1 घंटे के बाद में देखो जैसलमेर ट्रेन आई है। और ये भाई मोनू भाई चाय पी रहा है इधर से चाय धंधा स्टार्ट कर लिया क्या तूने? चाय वो भाई एक चाय देना नहीं नहीं तो चाय का रेलवे की चाय पी के देखते हैं कि रेलवे की चाय कैसी है। चाय कैसी लगी भाई? चाय एक नंबर लगी। एक तो ये सीट है ये चारों की सीटें ऊपर नीचे और हम जैसलमेर में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे धीरे धीरे हो चुकी है ट्रेन। देखो कितनी लंबी है और ये सामने आप देख रहे हो जैसलमेर फोर्ट। क्या नज़ारा दिख रहा है यार गोल्डन फोर्ट वाओ। जैसलमेर पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के बाहर और ये अपनी गाड़ी आई है लेने के लिए तो ये बैग वापस दोगे जमा हो गया ना। तो गाड़ी आ चुकी है तो चलते हैं अब सीधे और होटल की तरफ से। और बहुत धूप हो चुकी है यार इतनी गर्मी हो रही है ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी आ गई यहाँ पे तो खतरनाक यार। चलो भाई गर्मी हो रही है अच्छी खतरनाक। चलो भाई चलो पाकिस्तान।
हमारी होटल से हम निकल के जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट, और यहाँ से जो जैसलमेर फोर्ट है ना बिल्कुल पास में ही है, मतलब ऐसे चल के भी अपन यहाँ से जा सकते हैं। और ये आप जो देख रहे हो जैसलमेर फोर्ट का जो मेन दरवाजा है वो, तो यहाँ पे अगर ये छोटे मोटे सामान बेचते हैं, और ये जो आप गेट देख रहे हो ये मेन जैसलमेर और देख सकते हो ये पीछे पोर्ट है, और क्या यहाँ पे मतलब जो पर्दे दिख रहे हैं ना भाई लाजवाब दिख रहे हैं। और ये यहाँ पे ये जो आप तीन चार जने ये दिख रहे हो ना, ये तो तीन चार जने ये छपरी यूट्यूबर है, ये देखो ये जा रहे हैं देखो। यार देख सकते हो यार पहले के जमाने में देखो कितना बड़ा बड़ा गेट दिख रहा है। सामने जो मंदिर देख रहे आप चामुंडा देवी का, दशहरा मेला लगता था, जानवर की बलि दी जाती, जैसे बकरे को भैंसों काट दिया, इंग्लिश से बोलते हैं सर्किफाई। अच्छा, लास्ट बलि यहाँ पे 1971 में हुआ। आपने पहला फिल्म सुना हो जैसलमेर का, रेशमा सेरा सुनील दत्त के हाथों से, अपन पांचों का जन्म नहीं हुआ, अच्छा। मेरा 74 का है। अच्छा, तो सुनील दत्त के हाथों से हुई, उसके बाद में गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये पीछे महल देख रहे हो, ये राजा का महल है। अच्छा, ये राजा का महल है, इसके अंदर जो दो चार कमरा में ऑक्यूपाई है जिसमें वेपन्स रखे हुए, आपने देखा हो मेहरानगढ़ फोर्ट देखा हो, वैसा है उसमें वेपन ज्यादा, मेहरानगढ़ बहुत सबसे बेस्ट फोर्ट है और इसमें इतना कलेक्शन नहीं है। अच्छा, ठीक है, वेपन 200 रुपए टिकट लगता है इसका आदमी का, यू स्पेंड 800 रुपए और ये वर्थ नहीं रहते। इससे आता है राजा के डेसेंट जो गुरु है, उस हवेली का नाम है बारी हवेली। बारी हवेली, बा का मतलब होता है रिस्पेक्ट वर्ड। उस हवेली थे करणी सिंह, जिनकी 7.5 फुट हाई थी, नंबर ऑफ वाइफ थी 369 वाइफ। उसके बाद में जो आता है जैसलमेर का राजा था सलेमान सिंह सेकंड, उनकी हाइट थी 7.5 फुट। अच्छा, तो यहाँ पे एक यहाँ पे आपको छोटी छोटी शॉप मिल जाएगी देखने के लिए। अंदर जो 80% आठ ब्राह्मण थे, ये जो अपन घूम रहे हैं ये प्योर वेजिटेरियन पार्ट है, दिस इज उधर वाला नॉन वेजिटेरियन पार्ट है, क्षेत्रीय लोग रहते हैं। ये पहला होटल है पैराडाइज जिले का, यहाँ पे जो जैसलमेर की गलियों में देख सकते हो आप। हाँ, यार फोर्ट के अंदर मतलब दुकानें हैं, घर किले के अंदर 61 गलियां हैं, वेरी नॉरो स्ट्रीट। आप ऐसे घूमते रहो तो पूरा दिन घूमते रहोगे, है ना, गलियों का। तो यहाँ पे मतलब कितने लोग रहते हैं अभी? 4000 आबादी रहती है। अच्छा, जिसमें 80% आर ब्राह्मण। अच्छा, और 20% आर क्षेत्रीय लोग। नमस्ते, वेरी प्रॉम इसराइल सलूम फिल फिल अभी होटल में ठहरा हुआ। हाँ, पुष्कर ओली, ओके, गुड। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपने पुष्कर में, तो भैया बहुत ही पता, पुष्कर ओली खतरनाक थी, और वो जो पुष्कर की ओली था ना तो सूख गया, उसमें जितने भी जो जीव जंतु थे मर दम करके सड़ के पॉसिबल गया। इस पत्थर का नाम है हाबूर स्टोन, इसके अंदर दो बैक्टीरिया, एक सी बैक्टीरिया, एक लेप्टोपोस बैक्टीरिया। इसकी जो ग्लास होती है उसके अंदर आप पानी भर दो, नाइट में सुबह मॉर्निंग उठो बासी मुंह, पानी का इस्तेमाल करना है तो आपके हेल्थ रिलेटेड कोई बीमारी, आपके डायबिटीज है, माइल्स है, हार्ट की प्रॉब्लम है, घुटना में दर्द है, तो आपको महीने से दो महीने में मिल जाएगा। अच्छा, ये ऑफिसर और मतलब देखो यार कितनी यार में छोटी छोटी गलियां हैं, चारों लोग है ना भैया खतरनाक है। ये देखिए, तो दोस्तों हम इसके अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो पुरानी पुरानी चीजें रख रखी है, तो 50 रुपए इनका टिकट है, तो देख लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर आए तो 50 रुपए इतने ज्यादा भी नहीं है भाई, लोगों को देखना तो बनता है। राजस्थान में जो पुराने जो कल्चर वगैरह जो आइटम थे ना, तो वो कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हवेली के अंदर एंटर हो रहे हैं,
यहाँ पे जब ब्रिटिश ने शासन किया था, जब ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा लॉन्च हुआ था, तो उसके फोटोग्राफ है शहर के, जैसलमेर का किला है। बर्तन सोना चांदी, ये सुराही राजा के टाइम पानी पीने के लिए, ये टी पॉट है। ये पुराने जमाने में मतलब आइसक्रीम इससे बनती थी है ना, आइसक्रीम। अच्छा, जिस छाछ बनाते हैं नहीं? अच्छा, दही का, दही का घी निकालते हैं। हाँ, छाछ अपन नहीं, ये कोटने के लिए। हाँ, किसी को मतलब ऐसे मसाला, ये अचार रखने के लिए। ये पुराने, ये तो मतलब पुराना पूरा बर्तनों को यूज, तो मतलब ये बाथरूम है मतलब। हाँ, तो यही महिलाएं नहाती थी, ये ऐसे होते थे कैमरे ना। हाँ, देखे अच्छा। ऐसे अंग्रेजों ने शासन किया है तब यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे लॉन्च हुए। अच्छा, और ये मोबाइल भी है, और ये ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, और ये जो कैमरा आप देख सकते हो पहले जमाने में इसे कैसे बेचते थे, ऊंट के गले में डाल दिया। अच्छा, ऊंट को जाता। अच्छा, ये संदेश ऐसे बेचते थे पहले, जैसे मैंने प्यार के कबूतर के सहारे जाता, ये अफीम पीने के लिए खराब। अच्छा, बता रहा हूँ। और जो पूरा जैसलमेर सिटी का पूरा जो 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ आपको, पूरा बने रहिए वीडियो में, और देख सकते हो आप क्या हवा चल रही है इधर। ओह भाई, क्या नज़ारा है। और ये जो आप पूरा व्यू देख रहे हो, ये जैसलमेर सिटी का पूरा व्यू देख रहे हो, जहाँ से नज़र पड़ रही है ना वहाँ तक आपको देखो मतलब गोल्डन फोर्ट ही नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हो, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, वो मैंने देखा है राजा का महल, और ये देख सकते हो ये रानी का महल है, और हम जा रहे हैं अब जो तोप है ना, जो शहर का सबसे जो व्यू दिखता है ना वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ पे मतलब तोप रख रखी है देखो यार। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं, घड़ी से लेक भी जाना है, पटो की हवेली भी जाना है। तो दोस्तों देख सकते हो यार कितनी मतलब छोटी छोटी गलियाँ हैं, आप देख सकते हो, और मतलब दो आदमी चल सकते हैं, इतनी छोटी गलियाँ हैं लेकिन सुंदर गली है। ये क्या चीज़ है, पटोरी, मतलब इंडिया का लास्ट रेलवे है ये। हाँ। अच्छा, इसके आगे कोई नहीं है, इसके आगे सीधा बॉर्डर पाकिस्तान। अच्छा, तो ये मतलब 18th सेंचुरी का अंग्रेजों के टाइम में। अच्छा, और इनकी जो कैपेसिटी होती है तो 45 किलोमीटर, मतलब 45 मतलब 45 किलोमीटर। हाँ, बहुत तेरी मतलब यहाँ पे फायर कैन। अच्छा, ये क्या होता है, किसी दुश्मन को मारने के लिए नहीं, ये अनाउंसमेंट होता था। अच्छा, कोई भी शहर में एक्टिविटी होती है। अच्छा, जैसे अटैक हो रहा है। अच्छा, तो पब्लिक को कैसे सूचित किया था, तनोट माता के वो बम बरसाएं तो वो बम विस्फोट नहीं है। अच्छा, आप तनोट। तो दोस्तों, ये जैसलमेर फोर्ट हमने पूरा देख लिया, तो अब हम जा रहे हैं गड़ीसा लेक, और लेट हो चुके हैं, तो अभी के बजे है 6:30 और लेट हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं गड़ीसा लेक। और बहुत ही अच्छा मतलब ये जैसलमेर फोर्ट था। आप